बिल्कुल बिल्कुल। मेरा घर साफुर पटोरी हुआ, फ्रेंड लोग के पास जम रहा है। अच्छा। काफी हैवी बाइक आप राइड कर रहे थे। 125 इसीलिए भाग ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, फिर भी बहुत गिचा आपका गाड़ी। ठीक है, मतलब अभी तो कुछ दिन हुआ ही है लेना, पहली बार घर जा रहे हैं अभी। कहाँ घर आपका? प्रॉपर प्रॉपर घर हमारा हुआ साफुर पटोरी में, चंदन साफुर पटोरी। हाँ साफुर पटोरी, मतलब बाइक बाइक का आप रिव्यू दे सकते हैं, कैसा लगा भाई? बाइक तो एक नंबर, ब्रेक इसका बहुत मस्त है, ब्रेक बहुत मस्त है, ग्रिपिंग बहुत बढ़िया है, रोड पकड़ता है बहुत, रोड पकड़ता है बहुत, बस इतना ही चाहिए। पैसा वसूल हो गया बाइक का, बस पैसा वसूल हो गया। मतलब आप बोल रहे अगर कोई गाड़ी रहा है इससे ज्यादा ही इंजन रहा है, लेकिन स्टार्ट जब रेस लगाने का बात आता है तो सबसे आगे पहले यही बात। तो अभी साथ में चल सकते हैं दोनों आदमी? हाँ ठीक है, साथ में चलते हैं। किया जिसमें फिर गई थी और मूव आए और फिर हम लोग रुक के बातें की। पेट्रोल पंप हो गया, मेरे को लगा कि कुछ पेट्रोल डल वाले ने चाहिए, तो मैंने पूछा पेट्रोल पंप है कि नहीं। वीडियो गजब बना, और फिर बीच में रेसिंग भी हुई थी और फिर हम लोगों ने वीडियो भी बनाए और फिर वो आप देख सकते हैं रील्स पे भी। नहीं भैया एक सेकंड भाई, ये बच्चा गाड़ी को कब से देखे जा रहा था, बहुत ही प्यास है। ठीक है, मैंने बोला चलो भाई ठीक है इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बट इसको और डर लगा और फिर मेरे को भी लगा कि नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर दिया। तो गाइस हम आ रखते हैं वैशाली पावर हाउस रेस्टोरेंट, जो कि रिपेयर बाइक का है और उनके भी सिर्फ चंदन, क्योंकि हमें बोल रहे हैं थोड़ा आगे चलना है क्योंकि उनसे भी एक्सीडेंट हो गया और वहाँ चलते हमने देखा कि आप खुद देख लो। ये देखो भाई आगे की सिस्टम पूरे बिगड़ गई है, अगर आप ड्रिंक करके चलाओगे तो फिर नतीजा यही होगा। तो सारे लोगों से मेरा निवेदन है को क्या हुआ? कि प्लीज ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाना, चला रहा था क्या और खास करके छपरी गिरी ना ड्रिंक कर रहे थे इस वजह से। कब के ये हम हॉस्पिटल आ रखे हैं भाई को देखने के लिए और सर में बहुत सारी चोट आ रखी है, भगवान करे उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो, मेरी दुआ है। तो गाइस हम उन्हें देख के उनके भाई के रेस्टोरेंट पे आ गए और जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिखाया, ठीक है ये चाट है, ये गुलाब जामुन है, हाय हाय हाय। मैंने इनसे भी पूछा भाई खाओगे आप? इन्होंने बोला नहीं भाई आप खाओ, हम लोग तो खाते रहते हैं। फिर मैंने दोबारा पूछा भी नहीं, मैंने सारा का सारा खा गया। ठीक है वो रहे रितेश भाई, ठीक है भाई उनकी व्यवहार और स्वभाव इतनी अच्छी है, प्लीज आप एक बार जब भी आओगे चंदा तो वैशाली पावर हाउस रेस्टोरेंट जाओ और फिर खागे बच्चे को यार दिल भरा। तो गाइस पिया खाने के बाद हम लोग चाय पिया और जो सुट्टे मारने वाले थे वो सुट्टे मारे, ये सारे उनके मित्र हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और चाय पी के निकल गया और निकलने वक्त मैंने रितेश भाई से मिला और फिर जाते जाते उन्हें गुड विश दिया, क्योंकि चंदन थे नहीं हमारे पास, थे चंदन जी निकल रखे थे। अब आगे जाते ही मैंने देखा यार मेरे धनों पे किसी और की हाथ है नहीं, ये उनके मित्र नहीं है, ठीक है जो कि मेरे से चाबी मांग रहे थे। बट मैं सच बोलूं किसी को अपनी बाइक की कीज मत दो अगर आपको बाइक प्यारी है तो, मैंने बहुत सारे लड़कों को बाइक की कीज दी, तो गाइस प्लीज मेरे से बाइक मत मांगना प्लीज प्लीज प्लीज। अब भैया मेरी धंधों को तो दे लेंगे ना, मतलब मत ही बोल सकती, ये चंदन आ गए, ये उनकी है ड्यूक 125, ठीक है जिसपे रेस लगी।
भाई ने हमारी लाइफ को राइट किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रही और ये बहुत ही खुश है। और हम यहाँ से अब निकलते हैं, ब्लॉक की होने वाली है क्योंकि हम पहुँच गए हैं घर और घर पे मेरे दादा जी लोग बैठे हैं और मैं उनसे मिलूंगा और फिर आप लोग अच्छे से। तो गाइज कीप लविंग एंड ब्लेसिंग, लव यू ऑल।